हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज आपके लिए लेकर आई हूँ दो हेल्दी आइसक्रीम्स की रेसिपी। ये एक है चॉकलेट चोको चिप्स आइसक्रीम और एक हम बनाएंगे इस सीजन की स्पेशलिटी यानी मैंगो की आइसक्रीम। बहुत टेस्टी है। इट्स अ वीगन रेसिपी, लेकिन आप चाहें तो इसे डेयरी यानी मिल्क से भी बना सकते हैं। कैसे उसे मैं बताऊंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इंग्रेडिएंट लिस्ट के साथ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट आइसक्रीम जो डेयरी फ्री है। इसके लिए मैंने आधा कप लिया है कोकोनट क्रीम, 3 टेबलस्पून 100% पीनट बटर, 2.5 टेबलस्पून यानी 2.5 टेबलस्पून जैगरी का पाउडर, 2 टेबलस्पून अनस्वीटेंड कोको पाउडर, 1.5 टेबलस्पून मैंने लिए हैं चॉकलेट चिप्स, लेकिन ये ऑप्शनल हैं, ये डार्क चॉकलेट चिप्स हैं। सो अगर आपके पास हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप दैम। नाउ, होममेड कोकोनट क्रीम बनाना बहुत आसान है। इस चैनल पे मैं ऑलरेडी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। बहुत आसानी से कोकोनट मिल्क बनाकर आप उसे फ्रिज में रख दीजिए और जो ऊपर सॉलिड है वो फ्लोट करने लगेगा, नेक्स्ट मॉर्निंग तक वो हमारी कोकोनट क्रीम हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोकोनट क्रीम नहीं मिल रही है, बनाने में दिक्कत हो रही है, तब आप डेयरी का ऑप्शन ले सकते हैं, यानी आप काउ मिल्क की जो मलाई होती है, क्रीम होती है, उसे यूज़ कर सकते हैं। और एक और रिप्लेसमेंट है आधा राइप फ्रोजन बनाना, यानी अगर लार्ज बनाना है उसे आधा आप चॉप करके फ्रिज में रख दीजिए और उसे यूज़ कर लीजिए फॉर आइसक्रीम। लेकिन उसका टेस्ट जो होता है वो कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। अगर आपके पास बाकी दो ऑप्शंस हैं तो वो लास्ट रखिएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन कर लूँगी ग्राइंडर के अंदर। तो ये मेरा ग्राइंडर है, इसके अंदर मैंने कोकोनट क्रीम, पीनट बटर, कोको पाउडर और जैगरी पाउडर ऐड कर लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी जब तक कि अच्छी तरह कंबाइन ना हो जाए और स्मूथ टेक्सचर ना हो जाए। आप इसे खोल के चेक करके मिक्स करके दोबारा ब्लेंड कर सकते हैं। देखिए इसका टेक्सचर कितना स्मूथ है। मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक बोल के अंदर। आप चाहें तो इसे अभी खा सकते हैं, इतना क्रीमी टेक्सचर है। लेकिन अगर आपको इसको हल्का सा फ्रीज करके खाना है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसमें डार्क चॉको चिप ऐड कर रही हूँ थोड़े क्रंच के लिए, काफी अच्छे लगते हैं वो। तो पहले मैंने मिक्स कर दिए हैं चॉकलेट चिप्स, अब मैं थोड़े स्प्रिंकल कर रही हूँ ऊपर भी ताकि देखने में भी ये अच्छे लगे। इसे हम क्लोज कर देंगे एक एयर टाइट लिड से। अगर आपके पास एयर टाइट लिड नहीं है तो सिलोफिन जो शीट होती है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे रेफ्रिजरेट करेंगे मिनिमम 4 आवर्स टू मैक्सिमम 8 आवर्स के लिए। तो जब तक ये सेट होती है दूसरी आइसक्रीम भी हम बना लेते हैं। मैंगो आइसक्रीम जो डेयरी फ्री है उसे बनाने के लिए फिर से हमें आधा कप कोकोनट क्रीम चाहिए, 3 टेबलस्पून 100% पीनट बटर, 2.5 चम्मच जैगरी पाउडर। जैगरी पाउडर गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू होल जैगरी जिसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। आधा कप हम लेंगे पका हुआ मैंगो और ये है हैंडफुल ऑफ रेजिन्स यानी किशमिश जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। ये भी ऑप्शनल है जस्ट लाइक चॉको चिप्स। अगर आपके पास है तो ये भी एक अच्छा टेक्सचर देते हैं, स्पेशली बच्चों को जब चॉको चिप्स आते हैं मुंह में या फिर जब आते हैं किशमिश या ऐसा कुछ तो बहुत अच्छा लगता है। एज आई सेड, अगर आपके पास कोकोनट क्रीम नहीं है तो आप इसके बदले इसे रिप्लेस कर सकते हैं काउ मिल्क की क्रीम यानी मलाई के साथ। एक बार फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को हम ग्राइंडर में डाल के मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो कोकोनट क्रीम, जैगरी पाउडर, पीनट बटर और चॉप्ड मैंगोस को मैंने ग्राइंडर में डाल लिया है।
इसे अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे, ग्राइंड करेंगे जब तक ये बहुत ही सिल्की और स्मूथ टेक्सचर में ना आ जाए। अब मैं इसे भी ट्रांसफर कर लूंगी एक बोल के अंदर। रेजिन्स को मैंने ऐड कर दिया है फॉर अ नाइस च्यूई टेक्सचर, ताकि आइसक्रीम हमें और भी डिलीशियस लगे। इसे भी मैंने कवर कर दिया है एंड दोनों चीजों को हमें रेफ्रिजरेट करना है 4 घंटे मिनिमम, मैक्सिमम 4 आवर्स के लिए। आप सेम मेथड को यूज करके अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हैं, जैसे कि बनाना अगर आपको पसंद है, अगर आपको स्ट्रॉबेरी है अगर आपके पास, या कोई और फ्रूट है जिसे हम आइसक्रीम में यूज कर सकते हैं। जब ये सेट हो जाएगी तब आप इन्हें मिनी बोल्स के अंदर ट्रांसफर कर लीजिए। चाहे तो और थोड़े से चोको चिप आप इनके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर रेजिन्स के टुकड़े। बट येस, दिस इज अमेजिंग डिलिशियस। लेकिन पोर्शन साइज आपको कंट्रोल करना है। बड़े से बोल में ज्यादा सा पोर्शन लेंगे तो ये आपके लिए अनहेल्दी होगा, लेकिन अगर आप छोटा पोर्शन लेंगे और आप इसे इंजॉय करेंगे एज योर लव मील, एज अ पार्ट ऑफ योर चीट मील, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाउ घर की बनी हुई आइसक्रीम हमेशा आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि जो बाहर से हम आइसक्रीम खरीदते हैं उनके अंदर ना सिर्फ आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल कलर, अनहेल्दी ऑयल्स, यस बहुत लोगों को नहीं पता है लेकिन आइसक्रीम्स के अंदर ऑयल भी ऐड किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी अनडिजायरेबल एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड केमिकल उनके अंदर ऐड किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे जो बताएंगे कौन कौन से केमिकल्स डाले जाते हैं। केमिकल्स के नाम भी आप देख सकते हैं, इन्हें प्रोनाउंस करने में भी टंग ट्विस्टर जैसा फील होता है। सो इसीलिए जब भी आइसक्रीम बनाएं, घर पर बनाएं, घर पर खाएं, माई किड जस्ट एब्सोल्युटली लव दीज आइसक्रीम्स। डेयरी फ्री मैं इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा टाइम के लिए डेयरी से ब्रेक लिया हुआ है। मैं कर्ड कंज्यूम करती हूँ बट आई एम नॉट कंज्यूमिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ डेयरी, स्पेशली दूध या नेचुरल फॉर्म में जो होता है मैं उसे सिर्फ फर्मेंट करके खा रही हूँ। सो एन्जॉय दिस एज अ सेड एज अ स्नैक और एज अ पार्ट ऑफ योर लव मील। दिस रेसिपी सर्व्स एटलीस्ट 10 पीपल, लेकिन क्योंकि मैंने कहा आपको पोर्शन साइज पर ध्यान देना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक और रेसिपी के पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। तो सेट होने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये आइसक्रीम का बोल था जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि बाहर इसकी टेस्ट टेस्टिंग हो चुकी है ऑलरेडी, बट नाउ इट्स माय टर्न टू टेस्ट दिस। इंस्टेंटली आपको वो चॉकलेट फ्लेवर फील होता है, इट्स वेरी क्रीमी डिलिशियस। मैंगो आइसक्रीम भी मैं ट्राई करूंगी। अगर आप इन दोनों रेसिपीज में से कुछ भी ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक और रेसिपी के पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड स्टे सेफ। आई विल बी बैक वेरी सून, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।